नमस्कार, आप सभी का मेरे किचन में स्वागत है। आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वह है पनीर लबाबदार। तो देखते हैं कि यह हम कैसे बना सकते हैं। वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वह है चौकोर टुकड़ों में काटा गया पनीर, जो कि 250 ग्राम है, जिन्हें चौकोर टुकड़ों में काट लिया गया है। एक बड़ा कटा हुआ प्याज, एक बड़ी कटी हुई हरी मिर्च, अदरक के टुकड़े, दो कटे हुए टमाटर, लाल मिर्च, नमक, जीरा पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी जो कि 1 चम्मच है, कश्मीरी लाल मिर्च, 7 लौंग, 6 इलायची, दालचीनी के 2 टुकड़े, 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 10 काली मिर्च, 6-7 लहसुन की कलियां, 1 तेज पत्ता, 5 सूखी लाल मिर्च और 1 बाउल में काजू की टुकड़ी है। सबसे पहले फ्राई पैन में 2 बड़े चम्मच तेल लिया है। तेल गर्म होने के बाद इसमें 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 10 काली मिर्च, 5 लौंग, दालचीनी के 2 टुकड़े लिए हैं और इसके अंदर 2 इलायची, 3 सूखी लाल मिर्च ली है, 5 लहसुन की कलियां, इन्हें भूनेंगे 1 मिनट के लिए। ये भून चुके हैं, अब हींग डाली है चुटकी भर। अब एक बड़ा कटा हुआ प्याज, कटी एक बड़ी कटी हुई हरी मिर्च और काजू की टुकड़ी डालकर इन्हें हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। हल्के ब्राउन हो चुके हैं, 2 बड़े कटे हुए टमाटर डाले हैं, इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इनमें मसाले ऐड करेंगे, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच धनिया, लाल मिर्च और धनिया कम ही है, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, कम इसलिए रखा है क्योंकि सूखी लाल मिर्च है और साबुत धनिया पहले ही हम मसालों में डाल चुके हैं। अब ये टमाटर भी पक चुके हैं, अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद फ्राई पैन में इस ग्रेवी को डाल देंगे और इसके साथ इस ग्रेवी में 1/2 ग्लास पानी ऐड किया है, इसे चलाएंगे। और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे जिससे कि इसका कलर अच्छा आए और इसमें पनीर के टुकड़े डाल देंगे, जो चौकोर पनीर के टुकड़े हमने काट के रखे थे वे सभी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे जिससे कि सभी मसाले और ग्रेवी पनीर में अच्छे से लिपट जाए और इसे ढककर उबाल आने तक छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद देखेंगे उबाल आ चुका है। अब इसमें पनीर का छोटा टुकड़ा लेंगे और उसे ग्रेटेड करके डाल देंगे और साथ में हमने इसमें तेज पत्ता भी डाला हुआ है। यह पूरा पनीर जो बचा हुआ था इसे ग्रेटेड करके डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे
अब इसके अंदर कसूरी मेथी डालेंगे, मिलाएंगे और 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे जिसे कसूरी मेथी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब 1 चम्मच क्रीम डालेंगे, आप घर की बनाई हुई मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे चलाएंगे, कुछ सेकंड के लिए चलाएंगे, अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। पनीर लबाबदार बनकर तैयार है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मैं ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूं।